मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास नाइन्थ की प्रोज फिफ्थ लेसन का पार्ट टू पढ़ाने जा रहा हूं। ये फिफ्थ लेसन है, देखिए, द स्नेक एंड द मिरर। पार्ट वन में पढ़ा चुका हूं फिफ्थ पैराग्राफ तक, आज मैं सिक्स्थ पैराग्राफ से आपको पार्ट टू पढ़ाने जा रहा हूं। सिक्स्थ पैराग्राफ है, आई गॉट अप लिट ए बीड़ी पेस्ट अप एंड डाउन द स्ट्रीट, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snap wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snacks landing on me and my turning were simultaneous. मैं उठा और बीड़ी सुलगाकर कमरे में इधर उधर टहला। तब एक और सुंदर विचार मन में आया, मैं विवाह करूंगा, मैं एक ऐसी स्त्री से विवाह करूंगा जिसके पास ढेरों धन हो और जिसका चिकित्सक का व्यवसाय अच्छा चल रहा है। उसे मोटा होना चाहिए एक तरसंगत कारण से। यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण त्रुटि कर दूं और मुझे भागना पड़े तो वह मेरे पीछे ना भाग सके और मुझे ना पकड़ सके। अपने मन में ऐसे विचार लेकर मैं मेज के सामने रखी कुर्सी पर पुनः बैठ गया। अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक एक धप की सी आवाज आई, मानो कि धरती पर कोई रबड़ की ट्यूब गिरी हो। निश्चित रूप से चिंता की कोई बात नहीं थी। इस पर भी मैंने सोचा कि मैं घूमूं और देखूं। जैसे ही मैं पलटा, वैसे ही एक सांप कुर्सी की पीठ पर छटपटाया और मेरे कंधे पर आ गिरा। सांप का मुझ पर गिरना और मेरा पलटना दोनों साथ साथ घटे। I did not jump, I did not tremble, I did not cry out. There was no time to do any such things. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone immersed in the flesh. इसका मतलब है, मैं उछला नहीं, मैं कांपा नहीं, मैं चिल्लाया नहीं, ऐसा कुछ करने का समय नहीं था। सांप मेरे कंधे पर फिसला और कुहनी से ऊपर मेरी बाई बांह पर लिपट गया। उसका फन फैला हुआ था और उसका सिर मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच की दूरी पर था। केवल यह कहना सही नहीं होगा कि मैं अपनी सांस रोके बैठा रहा। मैं पत्थर बन गया था, लेकिन मेरा मस्तिष्क बड़ा सक्रिय था। दरवाजा अंधकार में खुलता था, कमरा अंधकार से घिरा था। दीपक के प्रकाश में मैं मांस की पत्थर की मूर्ति के जैसा बैठा हुआ था। ये सातवां पैराग्राफ, सेवेंथ पैराग्राफ था। एट्थ पैराग्राफ देखिए,
I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? इसकी हिंदी है कि मैंने तब इस संसार में एवं इस ब्रह्मांड के निर्माता की महान उपस्थिति को अनुभूत किया, अर्थात अनुभव किया। ईश्वर था। सोचो, यदि मैंने कुछ कहा और उसने अच्छा नहीं महसूस किया। मैंने अपनी कल्पना में चमकीले अक्षरों में अपने लघु हृदय के बाहर ये शब्द हे भगवान लिखने का प्रयास किया। मेरी बाई बाह में कुछ पीड़ा हुई या ऐसा था मानो कि कोई मोटी शीशे की क्षण नहीं पिघली अग्नि की कोई क्षण धीरे धीरे किंतु शक्तिशाली रूप से मेरी बाँह को कुचल रही हो। बाँह की सारी शक्ति निचुड़नी प्रारंभ हो गई थी। मैं क्या कर सकता था? 9th पैराग्राफ है, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लर्क्ड 4 inches अवे। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक? देयर वर नो मेडिसिंस इन द रूम। I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I don't claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? It means, मेरे जरा से हिलते ही सांप मुझ पर आघात कर देता। मृत्यु 4 inch की दूरी पर प्रतीक्षा में थी। सोचो कि वह आघात कर देता तो मेरे पास लेने को कौन सी दवा थी? कमरे में दवा थी ही नहीं। मैं और कुछ नहीं, बस बेचारा मूर्ख व बुद्धिहीन चिकित्सक था। मैंने अपना खतरा भूल गया और बड़ी क्षीणता से स्वयं पर मुस्कराया। ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर ने उसकी सराहना की हो। सांप ने अपने सिर पर सिर घुमाया, उसने दर्पण में देखा और उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। दर्पण का मतलब शीशा। मैं यह दावा नहीं करता कि वह पहला सांप था जिसने कभी दर्पण शीशे में देखा हो, लेकिन यह निश्चित था कि सांप दर्पण में शीशे में देख रहा था। क्या वह अपने स्वयं के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था? क्या वह मूंछ उगाने या आंख को सजाने और मस्कारा या अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास कर रहा था? 10th पैराग्राफ देखिए, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल? आई विल नेवर नो, फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली सिदर्ड इनटू माय लैप। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑनटू द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leaped into the yard and ran for all I was worth. Phew! Each of us heaved a sigh of relief. Each of us heaved a sigh of relief. All of us lit bidis. Somebody asked, "Doctor, is your wife verified?" It means, मुझे निश्चित रूप से कुछ पता नहीं था कि सांप का लिंग क्या था, क्या यह नर था या मादा।
मुझे कभी ज्ञात नहीं हो पाया क्योंकि सांप ने मेरी बांह से अपनी पकड़ छोड़ दी और धीरे से मेरी गोद में फिसल गया। वहां से यह मेज में रेख गया और दर्पण की ओर शीशे की ओर चल पड़ा। शायद यह और अधिक निकटता से अपने प्रतिबिंब का, अपनी छाया का जो शीशे में दिख रही थी, उसका आनंद लेना चाह रहा था। मैं अब ग्रेनाइट की प्रतिमा मात्र नहीं था, मैं अनायासी हाड़ मांस का व्यक्ति बन गया था। अभी भी अपनी मांस रोके सांस रोके अभी भी मैं अपनी सांस रोके कुर्सी से उठा। मैं चुपचाप दरवाजे से बाहर बरामदे में गया। वहां से मैं आंगन में कूदा और जितनी मेरी क्षमता थी उतना तेज दौड़ा, उतना तेज भागा। ओह, हम में से प्रत्येक ने चैन की सांस ली, हम सबने बीड़ी सुलगाई। किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? 11th पैराग्राफ है, नो द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, माय लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर When you ran, did the snake follow you? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. नहीं, चिकित्सक ने कहा, ईश्वर की इच्छा इसके विपरीत थी। मेरी जीवन संगनी सीख सी पतली है और उसमें तीव्र गति के धावक का गुण है। किसी और ने पूछा, डॉक्टर साहब जब आप भागे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया? चिकित्सक ने उत्तर दिया, मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने मित्र के घर नहीं पहुंच गया। तुरंत ही मैंने अपने ऊपर सारे शरीर में तेल मला और स्नान किया। मैंने नए कपड़े पहने। अगली सुबह लगभग 8:30 बजे मैंने अपने मित्र या दो या तीन दूसरों को अपने कमरे पर अपनी चीज़ों को वहाँ से हटाने के लिए ले गया, लेकिन हमने पाया कि ले जाने को कुछ भी नहीं था। किसी चोर ने मेरी अधिकतर चीजों को साफ कर दिया था, अर्थात चुरा ले गया था। कमरा साफ कर दिया गया था, लेकिन वस्तुतः नहीं, चोर अंतिम अपमान के रूप में एक चीज छोड़ गया था। वो क्या था भाई? 12th पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है, व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, द डॉक्टर सेड, माय वेस्ट द डर्टी वन, द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द रेस्कल कुड हैव टेकन इट and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. इसका मतलब है कि वह क्या चीज थी, मैंने पूछा, किसी ने डॉक्टर से पूछा। चिकित्सक महोदय ने कहा, मेरी बनियान, गंदी बनी। उस आदमी ने स्वच्छतापूर्वक ऐसा भाव दिखाया, दर्शाया। वह दुष्ट इसे ले जा सकता था और इसे साबुन और पानी से धोकर प्रयोग में ला सकता था। क्या आपको अगले दिन सांप दिखाई दिया, डॉक्टर? चिकित्सक महोदय हंसे, मैंने उसे तब से नहीं देखा। वह एक ऐसा सांप था जो अपने स्वयं के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। कहने का मतलब बच्चों कि लेखक ये कहना चाहता है कि सांप के सामने अगर दर्पण शीशा ना होता और वह सांप शीशे में दर्पण में अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को ना देखा होता, तो सांप का ध्यान शीशे की तरफ, छाया की तरफ ना हो करके उस डॉक्टर की तरफ होता और शायद डॉक्टर को वह हानि पहुंचा सकता। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि संजोगवश वहाँ पे उस कमरे में डॉक्टर के पास जो शीशा था, दर्पण था, उस दर्पण शीशे की वजह से सांप से डॉक्टर साहब की रक्षा हो गई। ओके, थैंक यू।